नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत में कोरोना संक्रमण के 148 मामले नए सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में अपडेट दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 24 दिसंबर को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली जनसभा वाराणसी में करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर में बेहिसाब नकदी की बरामदगी जारी है। 200 करोड़ से बढ़कर कैश की गिनती 295 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई में जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान सीएम शिंदे बीच पर ट्रैक्टर चलाते दिखे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम राजस्थान से जीत कर आने वाले पार्टी के विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। लोकसभा सांसद दानिश अली को बसपा से सस्पेंड कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने दूसरे शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है। इसके साथ ही अपने नाम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट यानी दिल्ली पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक प्रति 1000 पुरुष दिल्ली में महिलाओं की संख्या 868 से बढ़कर 899 होने की संभावना है। कांग्रेस की हाई लेवल बैठक में तय किया गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ने को लेकर अटकलों पर विराम चिन्ह लगा हुआ है। हाजीपुर जिले में शनिवार को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई धराया है। दूसरे छात्र की जगह पर फर्जी स्टूडेंट बनकर परीक्षा दे रहा था। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोटोकॉल की परवाह ना करते हुए बच्चों के बीच पहुंच गए। सीएम ने बच्चों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और बच्चों को आशीर्वाद दिया। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि गोगामढ़ी हत्याकांड के साजिशकर्ताओं में शामिल आरोपी रामवीर जाट को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। रूस में राष्ट्रपति पद के लिए 2024 में होने वाले चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने पुनः जीतने की प्रबल संभावनाओं के बावजूद विपक्ष के नेताओं ने उनका मुकाबला करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का संकल्प लिया है। अगर मकान या जमीन खरीदने के बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है तो ध्यान से चेक कर ले कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक है या नहीं। साथ ही जिसकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका पैन कार्ड भी आधार से लिंक होना चाहिए। भारत की 20 वर्षीय क्रिकेटर काशवी गौतम महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी अनकैप खिलाड़ी बन गई है। उन्हें गुजरात जॉइंट्स ने 2 करोड़ में खरीदा है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। देखते रहिए द न्यूज़।